ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी, तेज गर्म हवाओं के बीच आग उगलती सूरज की किरणों ने आम जनमानस का जीना दुश्वार कर दिया है। सुबह से ही गर्मी के प्रकोप को लेकर लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जरूरतमंद नागरिक, कर्मचारी, महिलाएं शरीर को ढके हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा जिले में सूरज का पारा 48 के पार बताने का सीधा संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य महकमा बीते रोज 5 लोगों की हीट वेव से हुई मौतों को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे ने आम जनमानस को हीट वेव के संकट से बचाव को लेकर तमाम अपील कर पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। महोबा जिले में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। समय तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। बीते 2 दिनों से लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। भीषण गर्मी व आग उगलती सूरज की किरणों की चपेट में आकर महिला सहित आधा दर्जन नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर, एक साधु व एक महिला सहित 3 अन्य ग्रामीण हीट वेव का शिकार हुए हैं। अब तक जिले में एक महिला सहित आधा दर्जन लोगों की हीट वेव की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। बढ़ते तापमान से बिजली के पोलों में आग उगल रही है, तो वहीं विद्युत ट्रांसफार्मर को कूलर लगाकर ठंडा किया जा रहा है। हीट वेव से बचाव को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आम लोगों को भीषण गर्मी से बचाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने जिला अस्पताल में अधीनस्थों के साथ बैठकर निर्देश दिए हैं। शहर की सड़कों पर भीषण गर्मी के चलते लोग जरूरत की चीजों को लेकर ही बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं बच्चियों मुंह को ढकवाकर हाथों में दस्ताने का प्रयोग कर रहे हैं। शहर के बुजुर्गों का मानना है कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सूरज की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं सड़क पर निकली महिलाओं ने बताया कि अधिक से अधिक पानी का प्रयोग कर मुंह को ढक कर हम अपने परिवारों का इस भीषण गर्मी से बचाव कर सकते हैं। किस तरह के उपाय करने चाहिए लोगों को? सर, हमेशा ढाक के चलना चाहिए, चश्मा लगाना चाहिए और घर ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बाहर मत निकले। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है इधर पे। आप लोग सड़क में निकले हैं तो किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित? हम लोग अपना पूरा सुरक्षित करके आए हैं, चश्मा भी लगा के आए, मुँह भी बांध के आए हैं। भाई, किस तरह के उपाय कर रहे हैं गर्मी से और क्या टेम्परेचर है महोबा? हाँ, इस समय हमारे महोबा में टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री पहुंच चुका है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें गर्मी से बचने और लू से बचने के लिए आदमियों सब लोगों को तौलिया बांधकर और चश्मा लगाकर और खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट से लू का डर रहता है और नुकसान करती है और इसमें आपके नींबू पानी हुआ है और लस्सी हुई है, ठंडी चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि हम बचाव हो सकता है गर्मी का और ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर पे ही रहें। और मैं किस तरह के उपाय करना चाहिए गर्मी को लेकर, कितने संजीदा है? स्टॉल डाल के चलना चाहिए, चश्मा लगा के घर में है तो कूलर की व्यवस्था होना चाहिए और पानी है ठंडा पानी पिए, फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा है और तरबूज है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, दही है, मट्ठा है, जिससे शरीर को ठंडा को मिलती रहे। ये हमारे पास इमरजेंसी में आए थे, वो जिंदा नहीं है, बाकी उनका हमने परीक्षण किया तो वो मृत घोषित कर दिया है। उनका पहले से कोई इलाज नहीं ले रहे थे वो, उनको हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत हाई ग्रेड फीवर था, घर वालों से ये पता चला। बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्या अपील की जा रही है? मेरी सभी जनमानस से अपील है कि इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है, सभी लोग सावधानी पूर्वक रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, दिन के समय बाहर या धूप में निकलने से बचें, जो भी उनका जरूरी कार्य है वो प्रातः या सायंकाल में करें, यदि निकलना आवश्यक है तो छतरी का प्रयोग करें, साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर, साथ में पानी लेकर के भोजन करके निकलें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, सिर को ढक करके तभी निकलें। यदि किसी के साथ इस तरह लू की चपेट में आ जाता है उसको तुरंत नहलाएं, यदि बहुत तेज बुखार है पानी पिलाएं, ORS का घोल पिलाएं, ORS उपलब्ध अगर नहीं है तो नमक चीनी का घोल तत्काल उसको उपलब्ध करा के पिएं और साथ में 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करके जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। हीट वेव से सर कितने लोग मौत हुई कल आज? अब अभी तो ये कहना कि हीट वेव से ही मौत हुई है ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है,
एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है जिसमें कारण उसका अज्ञात है, जो कि ट्रक ड्राइवर था और उसकी जो मृत्यु हुई है वो ट्रक में ही हुई है। उसको चिकित्सालय ब्रॉडडेड लाया गया था। कल दो केस भी ब्रॉडडेड लाए गए थे, संभवतः हीट वेव उनको हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि चिकित्सालय समय से नहीं पहुंच पाए इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका। महोबा से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।